था उसका कि कर्मचारी को वोट कर देता है लेकिन परिवार दूसरी जगह बड़ी तादाद पर चला जाता है, सरकार बदलेगा कौन? देखिए, हम लोग इस बार पूरा प्रयास कर रहे हैं कि परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त सभी लोग वोट दें। इस बात की पूरी, जैसे हम लोग पूरे एक अभियान के तहत ये बात कर रहे हैं कि जितना हो सके हम लोग इनको चोट करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा भय व्याप्त है कि ये सरकार आ गई तो कर्मचारी का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। 50 सालों में जो कर्मचारी दफ्तर में बचा भी है कुछ, वो सब बाहर हो जाएंगे। आउटसोर्सिंग को आप जानते हैं कि पढ़ा लिखा बच्चा, एमबीए, एमसीए, एमबीए, ये सारे बच्चे बेचारे 20,000-25,000 पर नौकरी पाएंगे। एक्शन यही भी संविदा पर होगा तो हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद है। इनका जो मेथड है काम करने का बीजेपी की सरकार का, वो बिल्कुल दिख गया कि ये टोटल कर्मचारी विरोधी, बेरोजगार विरोधी, शिक्षक विरोधी। न शिक्षक की तरफ फिर गई इनका पॉजिटिव दृष्टिकोण है, न बेरोजगार नौजवानों पर इनका दृष्टिकोण है, न कर्मचारियों पर दृष्टिकोण है, न पेंशनर पर इनका दृष्टिकोण है। इनका दृष्टिकोण सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना और आम आदमी को, मध्यम आदमी को, कर्मचारी आदमी को मार डालना। इस नाते ये बड़े चिंता का विषय हम सभी के साथ पड़ा हुआ है। हम आपके माध्यम से सभी भाइयों से अपील भी करेंगे कि अब नहीं तो कम, बिल्कुल कभी नहीं, ये बर्बाद कर देंगे सब, सारे पद को खत्म कर देंगे, पदवे समाप्त हो जाएगा तो कहां से नौकरी रहेगी, और रोटी तो हम सब के ये ले लेंगे। इसलिए इस सरकार को किसी भी तरह से हम सब लोग पूरी ताकत के साथ जितना भी कर सकते हैं करें, इस सरकार को बदलें। धन्यवाद। हमारे साथ विजय कुमार बंधु जी आ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सीधा बंधु जी के साथ ही पहुंच रहे हैं। बंधु जी, बेरोजगार, शिक्षक, कर्मचारी सब नाराज, फिर कैसे बनेगी मोदी सरकार? सब तो नाराज है। बस निर्वाचन आयोग अकेले नहीं नाराज है। जी बताएं कैसे बनेगी? पेंशन मिलेगी नहीं, सांसद विधायक मेजर थपा कर वेतन बढ़ा लेंगे, पुरानी पेंशन छोड़ेंगे नहीं और नई पेंशन लेंगे नहीं, और कर्मचारी को नई पेंशन बताएंगे बहुत अच्छी है ले लीजिए, फिर आप दूर क्यों? और जब आप ले रहे हैं तो देने में दिक्कत क्यों? तो बंधु जी, कर्मचारी शिक्षक क्या करेगा? क्या ओपीएस की सरकार बनाएगा? देखिए, जो कर्मचारी है, जो शिक्षक और कर्मचारी है, वो तो ओपीएस की सरकार बनाने के लिए लगा हुआ है। जो शिक्षक कर्मचारी के बीच में छद्म लोग आ गए हैं, वो नहीं चाहते हैं। उसमें अधिकांश लोग पुरानी पेंशन के दायरे में हैं, वो नौजवानों को, एनपीएस वालों को गुमराह किए हुए हैं, और उस गुमराह में तमाम हमारे साथी भी गुमराह हुए हैं। लेकिन जो शिक्षक कर्मचारी ये बेटा आवाज चली गई, इसका अभियान को आगे बढ़ा रहा है, लोग लगातार है कि अटेवा की अपील पर, खुशी है कि अटेवा की अपील पर तमाम सारे लोग लगातार मुद्दे के समर्थन में आ रहे हैं। अभी कुछ एक घटनाक्रम हुआ था उत्तर प्रदेश में, कुछ पेंशन भोगी लोग राजनैतिक रूप से लाभ लेने के लिए कुछ लोगों ने समर्थन किया है। मैं आप सबके सामने ऐसे लोगों की भर्त्सना करता हूं, और शिक्षक कर्मचारियों को ऐसे चोलेबाजों से सावधान होना पड़ेगा। हम इधर भी रहे, हम उधर भी रहे, अभी वक्त नहीं है। और कहा जाता है जब धर्म युद्ध छिड़ जाए, जब धर्म युद्ध छिड़ जाए, तो धर्म युद्ध में कहा गया है गीता में
अपना और पराया नहीं होता है। जो धर्म के साथ है, जो हमारे मुद्दे के साथ है, हम उसके साथ है। जो हमारे मुद्दे के खिलाफ है, हम उसके खिलाफ हैं। ये तय करना पड़ेगा। और खास करके एनपीएस वालों को, खास करके जो आउटसोर्सिंग संविदा पर लोग हैं, खास करके जो अनुविदेशक और शिक्षा मित्र हैं, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनके हितों पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। आपको एक जानकारी बताऊं, आप और हमारे तमाम सम्मानित पैनल में लोग, हमारे सभा में सारे तारकेश्वर साई जी और नीरज त्रिपाठी जी, विक्रम सिंह भाई, रुपेश भाई, तमाम सारे साथी जुड़े हुए हैं, ये सब संघर्ष के साथी हैं। एक जानकारी इन सबको भी दे दूं, एक डबल इंजन की सरकार दिल्ली में है, एक मध्य प्रदेश में है। आज ही की खबर है और वाह वाह प्रचार चल रहा है, तमाम सारे जुमले फेंके जा रहे हैं, हम ये करेंगे, हम करेंगे। जहां वो है क्या कर रहे हैं, तमाम शिक्षक कर्मचारी संगठनों के रजिस्ट्रेशन को खत्म कर दिया गया मध्य प्रदेश में। आज की खबर बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में तमाम सारे शिक्षक कर्मचारी संगठनों के जो मान्यता मिले हैं, जो रजिस्ट्रेशन कराए, रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर दिया गया है। इसका मतलब है इनका जो आगे का जो खेल है वो लोकतंत्र के खिलाफ है। कोई हक की बात ना करे, कोई हक की आवाज ना उठाए, हम अकेले रहे, डबल इंजन किस काम की? मैं फिर कह रहा हूं, डबल इंजन किस काम की है? हमारी पेंशन नहीं दे सकती है, अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं दे सकती है, देश के नौजवानों को सेना में स्थायी नौकरी नहीं दे सकती है। किस बात का डबल इंजन? शोषण करने के लिए डबल इंजन, महंगाई डबल करने के लिए डबल इंजन, बेरोजगारी पैदा करने के लिए डबल इंजन, किस बात के डबल इंजन? मध्य प्रदेश का यह संकेत पूरे देश के शिक्षकों कर्मचारियों के लिए स्पष्ट रूप से एक संदेश है कि आप बोलोगे तो हम आपको रजिस्ट्रेशन ही नहीं करने देंगे, उसको भी निरस्त कर देंगे। ये बहुत खतरनाक खेल है और जो आवाज उठाएगा उसको चुप करा देना है। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है अपने देश के प्रधानमंत्री के वक्तव्यों पर। इतना सम्मानित देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, उसका प्रधानमंत्री रोज जाति और धर्म की बात कर रहा है। अरे भाई, आप 10 साल बैठे रहे, आप बताते कि नौकरियां कितना दिए, आप बताते कि 400 सिलेंडर को हमने 350 में कर दिया, आप बताते 60 रुपए पेट्रोल को हमने 40 रुपए में कर दिया। आप बताइए ना, अपने काम को बताइए ना। आप बताते कि तमाम लोगों ने पेंशन का वादा किया, नहीं दिया, मैंने कर दिया, आप बताते ना। तो ये पूरे होशो हवास में कह रहा हूं, ये शिक्षक कर्मचारी विरोधी है, नौजवान विरोधी है, आउटसोर्सिंग समुदाय की विरोधी है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद लोगों के हाथ में पैसा देना चाहते हैं। मैं गुजरात गया हूं, वहां पर उद्योगपति या 5 किलो राशन वाला, मिडिल क्लास को खत्म कर दिया गया है। मिडिल क्लास क्योंकि आवाज उठाता है, मिडिल क्लास में लोअर मिडिल क्लास के लोग थोड़ा नौकरियों के दम पर आगे बढ़ जाते हैं, उनको खत्म कर रहे हैं। सिर्फ नौकरियां नहीं, आवाज को भी बंद किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की घटना इस सब के लिए एक चुनौती है, एक चेतावनी है। कल यही जब यहां पर जीत जाएंगे तो मैं कह रहा हूं, ये जो एमपी में हुआ यूपी में होगा। तो मैं सभी से अपना निवेदन भी करता हूं कि सरकार, अगर उत्तर प्रदेश वाले इस सरकार को हाफ कर दें तो फुल पेंशन के हकदार हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में करो हाफ, लो फुल पेंशन, फुल पेंशन की गारंटी है हाफ करने पर। और इससे सस्ता और इससे आसान तरीका नहीं होगा। मैं कह रहा हूं सभी साथियों से, हम अपने पेंशन के लिए निजी के खिलाफ दिल्ली गए, लखनऊ गए, देश के जिस कोने में आशा दिखी हम लोग वहां गए। लेकिन अब आपको वहां नहीं जाने की जरूरत है, आप अपने बूथ पर जाइए, अपने बूथ पर जाइए। आपके अंगुलियों पर आपका भविष्य आ गया है, जाइए अपनी अंगुलियों से अपना भविष्य बनाइए। जाति धर्म और लफाजी वाले मुद्दों पर मत जाइए। हमारा मुद्दा क्या है? सामाजिक सुरक्षा, पुरानी पेंशन, निजीकरण की समाप्ति, रोजगार मिले। जिस देश में करोड़ों लोग रोजगार बेरोजगार हैं, उस देश में 30 लाख पद खाली हैं। दो तरह की बातें हो गई। और अभी विक्रम भाई बैठे हुए हैं, इन लोगों को क्या बताया था? पैसे की कमी है, बजट कमी है, पैसा कम देंगे।
अरे भाई, चुनावी दौर में किसी नेता ने कहा रैली करने के लिए पैसा नहीं है? 40 हेलीकॉप्टर दौड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 40 बिना पैसे के दौड़ रहे हैं। रोड शो में गुलाब हजारों कुंटल पर बिछा दिए जाते हैं, पैसे कमी है। किसी नेता ने नहीं रोया कि चुनाव में हमको लड़ने के पैसे नहीं है? चुनाव में पैसे हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करने के पैसे हैं। जब देश के विकास को सही रास्ता देने वाला, सारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने वाला शिक्षक कर्मचारी वो बाहर है, बेरोजगार रोजगार से बाहर है, हम पुरानी पेंशन से बाहर हैं, अनुदेशक अस्थायीकरण से बाहर हैं। ये जुमले की सरकार है, ये शिक्षक कर्मचारी विरोधी सरकार है। जो लोग शिक्षक कर्मचारी के आवरण में इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं, नौजवानों सुन लो, वो तुम्हारे दुश्मन है। जितनी बड़ी सरकार दुश्मन है, उससे छद्म रूप में जो शिक्षक कर्मचारी है वो उससे बड़े दुश्मन है। क्या कहेंगे बंधु जी, परसों मतदान है देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली में सबसे ज्यादा कर्मचारी मौजूद है, दिल्ली में लाखों की तादाद में सरकारी कर्मचारी है। क्या कहेंगे कर्मचारियों से? फिर आऊंगा श्रीवास्तव जी के पास। मैं अपनी तरफ से, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, जो भी अभी अगला चरण में मतदान होने जा रहा 25 तारीख को, मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा, अपना वोट, अपने परिवार का वोट और अगल बगल मोहल्लों का वोट, जो आपके टच में संपर्क में है, अधिक से अधिक मतदान कराइए। मतदान हमारा एक अवसर है, एक अधिकार है, अधिक से अधिक उसको उपयोग करना है। मतदान लेकिन सिर्फ MP बनाने के लिए नहीं, प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं, अपने मुद्दों को हल करने के लिए आपको वोट करना है। सिर्फ वोट करने चले जाओ, इससे कोई फायदा नहीं है। वोट मुद्दों पर करो, अपने मुद्दों के लिए वोट दो, MP बनाने के लिए, PM बनाने के लिए नहीं, बल्कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए करो। अधिक से अधिक मतदान करो, मुद्दों मतदान करो। ये मैं पूरे देश के साथियों से अपील करना चाहता हूं। और सब कुछ अच्छा रहा, जनता का अगर मैंडेट आया तो सरकार बदल रही है, OPS की बहार आएगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, बदलाव से ही बहार आएगा, OPS का सौगात लाएगा। न तीर से न तलवार से पुरानी पेंशन बहाल होगी, वोट के प्रहार से। आप निकलो घरों से और वोट करो। श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे कर्मचारियों से? 2 चरणों का चुनाव बाकी है, ये हम सब के भविष्य का सवाल है। और ये सब जान चुके हैं कि अगर ये सरकार आ गई तो हम सब का जीवन बर्बाद है, बच्चों का भी जीवन बर्बाद है, जो देश के भविष्य है हमारे बच्चों का भी जीवन बर्बाद है। इसलिए हम सभी अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अब मिलजुल के जहां भी, जहां तक बन जाए, हम लोग व्यक्तिगत रूप से अपना ये काम करें कि जिससे अधिक से अधिक वोट की चोट करना है। यानी पेंशन नहीं तो वोट नहीं का अभियान चलेगा, वोट की चोट से ही हम सरकार को बदलें, ऐसा हम लोगों ने संकल्प लिया है। और ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे, भगवान श्री राम के दरबार में ही आपके सामने एक अर्जी लगाते हैं हम सभी कर्मचारी जितने भी पैनल पर हैं, सभी लोग भैया हाथ जोड़ लीजिए। मैं भगवान श्री राम के दरबार में ये प्रार्थना करता हूँ कि राम जी हम लोग का कल्याण करें, इस सरकार को बदल दे। जी सर, चलिए, ये तो आपने बड़ी गंभीर चर्चा कर दी कि कर्मचारी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है कि सरकार को विदाई दे दो। डॉक्टर नीरज पति त्रिपाठी जी क्या कहेंगे? अंतिम अंतिम कमेंट है सबका, सरकार को लेकर क्या कहेंगे और कर्मचारियों से क्या कहेंगे? आप एक संगठन के महासचिव हैं। एक ही बात कहूंगा, जहां सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो अवस्थ अधिकारी, सो उस नृपकोश राजा को दंड मिलना चाहिए। दंड के स्वरूप पेंशन उनके 51% जाने चाहिए, हमारी पेंशन वाली सरकार आनी चाहिए। मैं एक ही बात सबसे कहूंगा अपने कर्मचारी समाज से, जाइए अपने मुद्दे के साथ रहिए, अपनी पेंशन के साथ रहिए और सरकार को बदलने का पूरा प्रयास करिए। विक्रम सिंह क्या है अंतिम कमेंट? फिर सीधा मैं साई जी के पास, तो समय हो रहा है। सर, सभी अनुदेशक आपके चैनल के माध्यम से
उत्तर प्रदेश के समस्त अनुदेशकों से आग्रह करेंगे और उनके अपने परिवार, आपने बहुत बड़ी बात कही, कुछ ऐसे हरामजादे हैं, हालांकि शब्द मुझे नहीं बोलना चाहिए, कुछ हमारे ऐसे अनुदेशक साथी भी हैं, कुछ पदाधिकारी भी हैं, मैं देखता हूं अभी उनका फेसबुक, वास्तव में खून खौल उठता है। लेकिन इस देश में इसी प्रकार वो 500 साल यदि देश मुगलों का गुलाम था तो वही मानसिंह और जयचंद जैसे लोग थे, और आज भी समाज में मानसिंह और जयचंद जैसे लोग हैं, तो मैं उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे और वो अपने अधिकार के लिए, अपने हक और हुकूक के लिए वोट डाले और इस सरकार को उखाड़ फेंकने में हम सबकी मदद करे। जी सर। चलिए शाही जी, अंतिम कमेंट आप। हम लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं। लोहिया जी ने कहा है कि सत्ता और रोटी को पलटते रहिए और निश्चित रूप से सरकार पलटेगी। हमारा वोट का चोट, हमारे पूरे परिवार के वोट का चोट, हमारे नाते रिश्तेदारों के वोट का चोट एनपीएस पर पड़ेगा, निजीकरण पर पड़ेगा, नियमितीकरण कराने के लिए पड़ेगा, विक्रम जी को नियमित कराने के लिए पड़ेगा, संविदा की नौकरी को नियमित होना होगा, इस पे रोड पड़ने जा रहा है और सरकार हिंदुस्तान की बदलने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। भारतीय जनता पार्टी 200 का आंकड़ा छूने के प्रयास में है और हमारी सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत शिक्षक कर्मचारियों का ऐलान है कि 400 बहुत दूर है, 200 का आंकड़े की भाजपा लड़ाई लड़ रही है ताकि कोई बदनामी ना हो। आदरणीय विजय बंधु जी का, रूपेश श्रीवास्तव जी का, नीरज त्रिपाठी जी का, विक्रम सिंह का, तारकेश्वर साई जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल बना हुआ है, बेरोजगार शिक्षक कर्मचारी नाराज, तो फिर कैसे बनेगी मोदी सरकार? जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ये शिक्षक कर्मचारियों का पूरा संगठन है और जो विजय बंधु जी ने कहा वो बड़ा अहम मुद्दा है। आज मध्य प्रदेश के संगठन खत्म होंगे, कल राजस्थान के होंगे, परसों उत्तर प्रदेश के होंगे, कोई संगठन नहीं होगा और अब संगठनों का कोई मकसद भी नहीं रह गया। विजय बंधु जी ने 2,00,000 लोगों की भीड़ बुला दी दिल्ली में और कोई सरकार होती इसकी जगह वो आरती लिए, टॉर्च लिए विजय बंधु को ढूंढ रही होती। बंधु जी हम नतमस्तक है, इस सरकार ने कोई संपर्क करने का भी प्रयास नहीं किया। जैसे ही 3 राज्यों के परिणाम आए रैली दफा हो गई, वरना चर्चा होने लगी थी कि बंधु जी को बुलाइए, बातचीत करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। तो ये है सरकार का कारनामा। आज मोदी जी भैंस की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, मंगल सूत्र की बात करते हैं, पानी की टंकी की चौकी की बात करते हैं। क्या वो करते हैं कि ओपीएस देंगे? क्या वो कह रहे हैं हम रोजगार देंगे? क्या वो कह रहे हैं हम नियमित करेंगे? अगर टोटी से आपका काम चलता हो तो अपनी टोटी सुरक्षित करिए, बीजेपी को वोट दीजिए। अगर आपकी भैंस है तो भैंस बची नहीं किसी के पास, अगर है तो भैंस बचाने के लिए बीजेपी को वोट दीजिए। पहले मुसलमान के नाम पर, अब भैंस बचाने के नाम पर। ये भारत का जो देश पूरे विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश बनने जा रहा है वो भैंस बचाने के लिए वोट करेगा। अन्य अपील भी करें, प्रार्थना भी करें। हम सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।